हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन क्लासेस में। आज की जो वीडियो है हमारी वो है GBPUAT वेटनरी डिप्लोमा फार्मेसी 2022 में आए ऑल बायोलॉजी के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोलेरॉइड रूट किस पौधे में पाई जाती है? तो ऑप्शन है पाइनस, साइकस, जिंको या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से आंसर हमारा है साइकस। आइए देखते हैं किस टाइप से हमारा साइकस का प्लांट होता है और ये किस टाइप से देखते हैं। ये रहा हमारा एक साइकस, जो ये रूट्स हैं, नोड जैसी रूट्स होती हैं, इसमें पाई जाती है सिम्बायोटिक रिलेशन सिप। ये हमारी कोलेरॉइड रूट्स होती हैं ऑफ साइकस की। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर, एस जी नवाशीन, हाफ मिशन या मॉर्गन ने? तो आंसर है इसका एस जी नवाशीन ने। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन का मीन होता है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो नॉर्मली अगर फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछता है फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, तो उसमें आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए स्ट्रासबर्गर। बट यहाँ पूछा है डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, तो एस जी नवाशीन ने की थी। देखते हैं ये हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। क्या होता है जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, तो मेल गैमेट जो होते हैं दो होते हैं। एक क्या करता है, इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है अपने एम्ब्रियो बनाते हैं। तो दूसरा वाला होता है, जो दूसरा होता है वो एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है, फ्यूज होने के बाद एक 3N स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो यहाँ पे एक जो मेल गैमेट था एग के साथ फ्यूज हुआ और दूसरा जो मेल गैमेट था वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ। तो यहाँ पे दो बार फ्यूजन हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोटीन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड? तो नॉर्मली हमारा जो आंसर है इसका डी, ऑप्शन डी हमारा सही है, पेप्टाइड बॉन्ड इसमें पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ऑप्शन ए है एरिल, ऑप्शन बी फ्लैसीथैलमस, ऑप्शन सी पेरिकार्प या ऑप्शन डी सीड। तो आंसर है इसका ए एरिल, जिसका लीची का भाग खाने योग्य होता है। आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे, कि निम्न में से किस जगत में गैमेटोफाइट डोमिनेंट यानी प्रभावी होता है? मतलब गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, दो स्टेजेस होती हैं ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इसमें कहीं कहीं प्रभावी जो होता है गैमेटोफाइट होता है, कहीं कहीं हमारा स्पोरोफाइट भी होता है। तो अगर जनरली ऑप्शन में देखें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या फंजाई, तो ऑप्शन हमारा बी सही है कि ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पत्तियों से जल की हानि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन बी गुटेशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन या ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। तो आंसर है इसका बी गुटेशन। हिंदी में इसको बिंदु श्रावण भी कहते हैं। आइए देखते हैं किस टाइप से दिखता है ये। यह हमारे पत्तियों के किनारे किनारे से इस टाइप से वाटर की हानि होती है, ये इसको हम गुटेशन कहते हैं। यहाँ पे हाइपेथोट सेल्स होती हैं, हाइपेथोट सेल्स, जिसके थ्रू क्या होता है ये वाटर बाहर की ओर निकलता है। तो यहाँ से काफ़ी जल की हानि होती है। अगर नॉर्मली आपने देखा होगा कहीं जैसे धान हो गया या इसके टिप से ऐसे पानी निकलता है, तो वो हमारा क्या होता है गुटेशन की प्रोसेस कहलाती है। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, एडिशन डिजीज या एडिशन रोग किससे होता है? तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स के हार्मोन्स के कारण होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। तो उसके हाइपोसिक्रीशन मतलब कम श्रावण के कारण क्या होता है इस रोग ये वाला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल के बीच की कड़ी कौन सी, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल? तो ऑप्शन ए दे रखा है एसिटाइल कोएंजाइम, ए पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी है हमारा NADPH2 या एथिल अल्कोहल। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, दोनों यानी ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। नवा क्वेश्चन है, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन में है CO2, ऑप्शन बी CFC, मीथेन या SO2। तो हमारे जनरली जो एसिड रेन होती है वो होती है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे दिख रहा है, सल्फर का ऑक्साइड SO2, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर सही होगा। कीप सेल या कीप कोशिकाएं कहते हैं, कॉलर सेल या कोनेटोसाइट सेल किस संघ में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो ऑप्शन ए है पोरीफेरा, ऑप्शन बी एनिलिडा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा या ऑप्शन डी मोलस्का। तो पोरीफेरा जो हमारी क्लास होती है उसमें कीप सेल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्यारहवा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन खंडी भवन किस संघ में पाया जाता है? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी एनिलिडा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा या ऑप्शन डी मोलस्का। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों हमारे राइट आंसर हैं इसमें, इन दोनों में ही मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, क्लिस्टोगमी प्लांट में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होगी? ऑप्शन ए है पोलिनेशन, ऑप्शन बी सेल्फ पोलिनेशन, ऑप्शन सी क्रॉस पोलिनेशन या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आंसर इसका ऑप्शन बी है सेल्फ पोलिनेशन। क्लिस्टोगमस प्लांट में क्या होता है कि जनरली इसमें मेल और फीमेल एक ही साथ रहते हैं, तो इसमें क्रॉस और इसके फ्लावर जो होता है बंद रहता है क्लिस्टोगमस में, तो इसमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी जो है वो सेल्फ पोलिनेशन की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्न में से कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है, यानी नाइट्रोजन को फिक्सेशन में यूजफुल है? तो ऑप्शन ए है एजोबैक्टर, ऑप्शन बी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन सी कारा या ऑप्शन डी स्पाइरुलिना। तो आंसर है एजोबैक्टर, राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 14वां, पांच जगत प्रणाली किसने प्रतिपादित की? ये बहुत से एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा जाता है पांच जगत प्रणाली किसने प्रतिपादित। ऑप्शन ए दे रखा है हैकल ने, ऑप्शन बी दे रखा है आर एच विक्टर, ऑप्शन सी थॉमस ने या ऑप्शन डी कैरोलस लिनियस। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी आर एच विक्टर ने इसको दिया था। 15वां क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? तो ऑप्शन ए दे रहा है क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट टू एनी ऑफ द पेरेंट प्लांट, ऑप्शन बी क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ऑप्शन सी क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट टू हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, ऑप्शन डी क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट टू होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट टू होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, यानी F1 जनरेशन की जो होमोजाइगस रिसेसिव यानी अप्रभावी जो जीन है उनके साथ क्रॉस कराया जाता है, तो इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, फोटो रेस्पिरेशन प्रकाशीय श्वसन किस में होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी मेसोफिल सेल, ऑप्शन सी परोक्सीसोम या ऑप्शन डी राइबोसोम। तो ऑप्शन सी हमारा परोक्सीसोम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है? रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है या डीएनए से आरएनए बनता है या आरएनए से डीएनए बनता है या आरएनए से प्रोटीन बनती है? तो हमारा डीएनए से जो डीएनए बनने की प्रोसेस होती है वो रेप्लिकेशन की होती है। अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्न में से कौन सी एल्गी प्रोटीन युक्त होती है? ये भी काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कारा, ऑप्शन बी स्पाइरुलिना, ऑप्शन सी स्पाइरोगैरा या ऑप्शन डी क्लोरेला। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 19वां, फोटोफॉस्फोराइलेशन किससे संबंधित है? जेड स्कीम, C3 साइकिल, C4 साइकिल या डार्क रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन ए है राइट आंसर, जेड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, एपिकल डोमिनेंस किस हार्मोन के कारण होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एथिलिन या ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन ए हमारा ऑक्सिन राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी अगर जीबी पंत यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किसी इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने में इसका एडमिशन हो सकता है।